हेलो गाइस, कैसे हो आप। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल इन वन नॉलेज। कल जो कि पीकेएल का जो कारवा है मूव होगा चेन्नई में, और जहां दो मैच होने वाले कल के दिन में, जहां पर ये दूसरा मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा बेंगलुरु बंगाल वॉरियर्स बनाम दबंग दिल्ली के बीच। दबंग दिल्ली जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, और बंगाल वॉरियर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये मैच रोमांचकारी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात की जाए बंगाल वॉरियर्स की, तो उनके जो कप्तान है मनिंदर, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको जो साथ दे रहे हैं ईरानियन ऑलराउंडर मोहम्मद नबी बख्श, वो भी डिफेंस में और रेडिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुपर रेड लगा रहे हैं और सुपर टैकल भी कर रहे हैं। तो मोहम्मद नबी बख्श जो कि एक अच्छा ऑलराउंडर है बंगाल वॉरियर के लिए। बात की जाए उनका डिफेंस, जहां पर उनको डिफेंस को लीड कर रहे जीवा कुमार, देन उनके राइट कॉर्नर अभी खेल रहे जो हिमाचल के हैं वो है बलदेव सिंह, और लेफ्ट कॉर्नर में उनके खेलते हैं रिंकू नरवाल जो कि अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर है, और बंगाल के कवर के खिलाड़ी है विराज लांडगे जो कि वो भी अच्छा खेल लेते हैं, महाराष्ट्र की तरफ से हैं। तो कल देखेंगे कि एक अच्छा स्क्वाड है बंगाल वॉरियर्स का, जो जिनके सामने रहेंगे दिल्ली के जो दबंग है वो है नवीन, जो कि यंग टैलेंट है और अच्छे रेडर माने जाते हैं, और अगर उनको अगर रोक पाती है बंगाल वॉरियर की टीम तो शायद कल के मैच में बंगाल जीत सकती है, क्योंकि नवीन अगर चल दिए तो वो अपने अपनी तरफ मैच का रुख मोड़ सकते हैं। तो दबंग दिल्ली के पास नवीन के अलावा चंद्रन रंजीत भी है जो कि अच्छे सपोर्टिंग रेडर है उनके लिए। डिफेंस में बात की जाए तो विशाल माने हैं, देन आप देखोगे उनके जो दो राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर, राइट में है रविंदर पहल और लेफ्ट में उनके कप्तान जोगिंदर नरवाल, तो अच्छा भी उनका एक्सपीरियंस होल्डर है जो कि डिफेंस में, अगर उन्होंने मोहम्मद नबी बख्श और मनिंदर को रोक लिया, हो सकता है जोगिंदर नरवाल के क्या एंकल कर होल्ड करे, उनका जो बैक होल्ड है और जो थाई होल्ड है वो बहुत अच्छा है, तो अगर उन्होंने मनिंदर को या फिर मोहम्मद नबी बख्श को रोक लिया तो हो सकता है कि दिल्ली ये मुकाबला जीत जाए। तो कल का मुकाबला जो दूसरा मुकाबला होने वाला है वो बहुत ही रोमांचकारी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गाइस आइए अब कल के मैच के लिए, जो कि माय टीम इलेवन और ड्रीम इलेवन के लिए, जो कि बेस्ट प्लेयर सेवन प्लेयर होने चाहिए, उसका मैं आपको सजेशन दूंगा। अगर मेरा सजेशन आपको अच्छा लगे ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप पहला सेक्शन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा रविंदर पहल है दबंग दिल्ली पे, दिल्ली के पास जोगिंदर नरवाल है, विशाल माने हैं जो कि तीनों ही एक्सपीरियंस होल्डर है, और बात की जाए बंगाल वॉरियर्स की तो उनके पास भी जीवा कुमार का एक एक्सपीरियंस है, देन आप देख रहे हैं रिंकू नरवाल जो कि लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, और बलदेव जो कि हिमाचल से है और राइट कॉर्नर खेलते हैं, और अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं बलदेव सिंह। बात की जाए ऑलराउंडर की तो मेरा शेख है जो कि दबंग दिल्ली के लिए अच्छी भूमिका निभाते आ रहे हैं कई सालों से, कई सीजन से। आप बात कर, जैसे कि मैंने कहा ये ईरानी ऑलराउंडर एक है मोहम्मद नबी बख्श, जो कि यंग टैलेंट है ईरान का और अच्छा ऑलराउंडर है ईरानियन टीम के लिए, तो कल के मैच में इन दोनों का रोल भी अहम रहेगा। जहाँ तक बात की जाए रेडिंग, तो मैंने कहा कि अगर मनी है के प्रपंजन, जी हाँ के प्रपंजन जो कि अच्छे रेडर है, उनके बदौलत ही उन्होंने पिछला मैच जीता था, क्रूशल मोमेंट में प्रपंजन ने एक अच्छी रेड की थी और अपनी टीम को मैच जिताई थी, तो के प्रपंजन भी बहुत अच्छे रेडर है। सुकेश हेगड़े अभी तक टूर्नामेंट में दिखाई नहीं दिए, बट वो भी बहुत अच्छे रेडर है जो भी कल कमबैक कर सकते हैं। मैंने कहा था कि नवीन कुमार एक स्टार रेडर है दबंग दिल्ली की, अगर उनको रोक लिया जीवा कुमार एंड टीम ने तो शायद बंगाल वॉरियर जीत सकती है। देन आप देख सकते चंद्रन रंजीत, वो भी दिल्ली के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे और ये नवीन कुमार को सपोर्टिंग रोल दे रहे, तो कल के मैच में दोनों टीमों के पास अच्छे रेडर है। पर मैं कहूँगा बंगाल वॉरियर थोड़ा सा जो कि उनका है अपर हैंड है कल के मैच के लिए। तो गाइज अब भी हमारा सेक्शन आता है कि जहाँ पर रेडर हमको सिलेक्ट करना है, मैं आपको कहूँगा आपको नवीन कुमार को रेडर में सिलेक्ट करना ही करना है, आपको के प्रपंजन को करना है, और चंद्रन रंजित या फिर मनिंदर से किसी एक को कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा आप चंद्रन रंजित को कर सकते हो, हालांकि चंद्रन रंजित लेफ्ट रेडर है, चंद्रन रंजित के सामने बलदेव रहेंगे तो शायद बलदेव उनको कैच कर सकते हैं, बट चंद्रन रंजित कंपेयर टू बलदेव जो कि अभी न्यू सीज़न खेल रहे हैं इस पीकेएल में, और चंद्रन रंजित थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उनको इस पीकेएल का, तो हो सकता है कल के मैच में वो भारी थोड़ा सा हावी हो सकते हैं। तो देखते हैं कि ये तीन रेडर हमने सिलेक्ट किए ऑलराउंडर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा शेख भी है और नबी बख्श भी है, पर इन दोनों में से आपको किसी एक को या फिर दोनों को सिलेक्ट करना होगा। अगर हम दोनों भी सिलेक्ट करते हैं थोड़ा हमें क्रेडिट का इशू होगा,
तो गाइस अगर हम दोनों को इनको सिलेक्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 26 ही क्रेडिट बचते हैं जो कि बहुत कम होंगे जहां पर हमको डिफेंस में सिलेक्ट करना होगा किसी एक को दो दोनों को। तो गाइस आप विशाल माने को भी सिलेक्ट कर सकते हो और रिंकू नरवाल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर दोनों के क्रेडिट थोड़े से कम है। अभी हमारे पास 12 ही क्रेडिट बचे, तो आप विराज लांडगे को टीम में रख सकते हो जो कि बंगाल वॉरियर्स के लिए है। तो गाइज या फिर विशाल माने या फिर बलदेव, मैं कहूँगा आप बलदेव को टीम में रखिएगा। जी हाँ, बलदेव शायद चंद्रन रंजीत को उनको पकड़ भी सकते हैं, कैच कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको उनके पॉइंट भी मिल जाए। तो गाइज ये था जो कि हमने कल के मैच में जो कि होने वाला है सेकंड मैच के लिए, जो कि हमने 7 प्लेयर सिलेक्ट किए उसमें आप देख सकते हैं कि अच्छे रेडर हमने सिलेक्ट किए। हमने हालांकि मनिंदर को स्किप किया क्योंकि ये तीनों भी बहुत अच्छे रेडर है। प्रपंजन है, आप देख पा रहे हैं, चंद्रन रंजीत है और नवीन कुमार जैसे कि मैंने कहा बहुत ही अच्छे रेडर है। डिफेंस ऑलराउंडर आप देख रहे हैं कि मिराज शेख को भी हमने सिलेक्ट किया है और नबी बख्श को भी हमने सिलेक्ट किया है और विराज लांडगे और बलदेव सिंह को जो कि राइट कॉर्नर खेलते हैं और जो विराज हैं वो राइट कवर खेलते हैं। तो गाइज ये था कल के मैच के लिए का प्रीव्यू। अब आता है हमारा सेक्शन कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने का। अगर टीम में नवीन कुमार है तो आप उनको वाइस कैप्टन कर सकते हो और या फिर नबी बख्श को कैप्टन कर सकते हो। कहूँगा नवीन कुमार को आप कैप्टन कर सकते हो और इस्माइल नबी बख्श को आप कैप्टन कर सकते हो। अब सेक्शन आता है कि वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करने का, तो मैं आपको कहूँगा आप के प्रपंजन, चंद्रन रंजीत, तीन चॉइस कहूँगा और या फिर बलदेव सिंह, इन तीनों में से किसी को वाइस कैप्टन कर सकते हो। वापस कहूँगा चंद्रन रंजीत, के प्रपंजन और बलदेव, इन तीनों में से किसी को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो गाइज ये था कल चेन्नई लेग में दूसरा मैच होने वाला है, उसके लिए मेरा मैच प्रेडिक्शन। अगर मेरा प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के पीछे नीचे मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक दूंगा, उसको भी आप शेयर कीजिएगा मेरे उस चैनल को। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर करने को कहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।